दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज अपडेट और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट की फिल्म बनने को तैयार है और इस फिल्म का बजट पूरे 600 करोड़ रुपए रखा गया है। आपको बता दें, अब तक भारतीय सिनेमा में 543 करोड़ की रोबोट 2 सबसे बड़े बजट की फिल्म रही है, लेकिन अब दंगल फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी 600 करोड़ बजट की रामायण बनाने वाले हैं। नितेश तिवारी, जिनके द्वारा डायरेक्ट की गई छिछोरे फिल्म हाल में ही रिलीज हुई है, उन्होंने 600 करोड़ की रामायण में राम के किरदार में ऋतिक रोशन और सीता के किरदार में दीपिका पादुकोण को चुना है। इस फिल्म की कहानी 3 भागों में रिलीज होगी। रिपोर्ट के हिसाब से रावण के किरदार के लिए बाहुबली फिल्म के हीरो प्रभास को चुना गया है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रभास की जोड़ी देखने लायक होगी। आपको बता दें, नितेश तिवारी ने इस फिल्म को तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज करने का तय किया है। दोस्तों, खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।